So, hello friends, today with us is Jatin. He recently got placed in Zydus company. So today we will know that what was his placement criteria. So Jatin, congratulations. Thank you, sir. So first question is, आपने B Pharmacy कहाँ से की? Sir, मैंने B Pharmacy इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हरियाणा रेवाड़ी से की है. रेवाड़ी से की है. Now currently आप कहाँ से M Pharmacy कर रहे हैं? Sir, currently मैं IIT BHU में department में मतलब pharmaceutics से कर रहा हूँ. Pharmaceutics से. ओके सो आपका Zydus कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, कौन सी जॉब रोल के लिए? सर मेरा टेक ट्रांसफर डिपार्टमेंट में है. इसका प्लेसमेंट बता सकते हैं कि कैसा था? वो कंपनी यहाँ पे लास्ट ईयर पहले इंटर्नशिप के लिए आई थी. ओके तो एक्चुअली मेरा मुझे BPO मिला है. तो मैंने वहाँ पे 2 महीने की इंटर्नशिप की थी और फिर सर इंटर्नशिप में उसके बाद वो इवेल्युएशन करते हैं कि मैं उनको कुछ मतलब जो इनपुट मैंने दिया है उसका उन्हें अच्छा आउटपुट मिला या नहीं मिला. ओके तो उस बेस पे वो वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन देते हैं और यहाँ आने के बाद कुछ टाइम के बाद मतलब जैसे काफी स्टूडेंट्स उन्होंने इंटर्नशिप के लिए लिए थे तो उन सबका एक और इंटरव्यू होता है उसके बाद. ओके तो उसमें से कुछ को वो सिलेक्ट करते हैं सर. ओके सो बहुत सारे व्यूअर्स अगर नहीं जानते PPO क्या होती है तो PPO इज ए प्री प्लेसमेंट ऑफर. सो अब इनके इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं, इनके इंटरव्यू के कितने प्रोसेस होते हैं? सर पहले अगर मैं देखूँ इंटर्नशिप से पहले तो उन्होंने एक टेक्निकल राउंड लिया था और एक HR राउंड लिया था. okay. और उससे पहले भी उन्होंने एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था. ओके okay. तो सर 3 टेस्ट हम कह सकते हैं. तो एप्टीट्यूड टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? सर एप्टीट्यूड टेस्ट में भी उन्होंने कुछ लेवल्स रखे हुए थे कि जैसे कि एक राउंड में होगा स्पीड टेस्ट. तो उसके अंदर हमें अटेंशन टू डिटेल कि हम छोटी छोटी चीजों को कितना फास्ट कैच कर पा रहे हैं. ओके फिर सर हमारे मैथमेटिकल एबिलिटीज कैसी है. ओके फिर सर हम मतलब इंग्लिश में कुछ है जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स या फिर कोई एरर्स उन सब चीजों को हम कैच कर पाते हैं या नहीं. तो सर वो वैसा था, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल रिलेटेड चीजें नहीं. ये दिस इज काइंड ऑफ लुकिंग लाइक MBA टाइप क्वेश्चंस. यस राइट समथिंग लाइक दैट. तो जैसे कोई एक क्वेश्चन बता सकते हैं हमें अगर आपको याद हो तो? सर इट्स लाइक दे वर गिविंग अस ए पैराग्राफ. ओके एंड वी हैव टू रीड इट. ओके एंड आफ्टर इन दिस पैराग्राफ दे विल कीप द थिंग्स कंफ्यूजिंग लाइक दिस वन इज हिज फादर एंड हिज हिज ब्रदर सी इज हर मदर एंड आफ्टर दैट they will ask some question like who is it, what is the relation of this person to the person. Okay okay so you qualified this. Yes. What was the next step? Sir after that they took my a technical round interview and that was online. Like why you choose that domain. Okay and like what is your project. Okay then they will try to ask what you know about your project. Okay like if you are faking the project or you are really interested in all these things. Okay the basics of pharmaceutics like what is BCS classification. Okay and how it is significant. Okay okay so during that interview aisa to nahi poochte aap kya aapne Zydus company ka web page dekha hai ya kis tarah ke product ho rahe hain. Yes sir they will ask about this also. Okay okay and after technical round what was the next level? Sir after technical round there was a HR round. Okay so in this they ask basics like आप वहाँ एडजस्ट कर पाओगे या नहीं. ओके okay. और आपका इंटरेस्ट क्यों है. ओके okay. और कंपनी में भी आप मतलब ट्राई किया है नहीं किया है. तो उसका आपका मतलब कैसा रिस्पॉन्स रहा. और लाइक फैमिली बैकग्राउंड. तो यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन है, इसका आपने क्या आंसर दिया था कि आपका हमारी कंपनी में इंटरेस्ट क्यों है? सर उसमें मुझे लगा कि सर दिस इज द फर्स्ट कंपनी आई एम ट्राइंग टू गेट इन. ओके एंड वेर एवर आई विल गो टू लर्न न्यू थिंग्स. ओके and in like in between this second and third semester we have like a time of 20 to 30 days that is like a break period for us. Okay so if in this time I will go home there will no productivity or I will not learn new things. Okay. But if I will come there I can explore new things and it will like help me in growing my future and my career. So okay nice. So again aap viewers confused raha hai, Jatin ki pehle internship lagi और इंटर्नशिप की इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जतिन को सिलेक्ट किया गया. तो ये जो क्वेश्चन रिगार्डिंग पूछा गया है तो इंटरव्यू से इंटर्नशिप से पहले के क्वेश्चंस हैं ये. अब आपकी इंटर्नशिप की वैल्यूएशन बहुत अच्छी जाती है, सब कुछ अच्छा होता है, फिर ये कंपनी क्या प्लेसमेंट के लिए आती है IIT में? नो सर मेरे केस में वो प्लेसमेंट के लिए नहीं आई थी. उससे पहले ही हम वहाँ पे एक्चुअली 10 स्टूडेंट्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आए हुए थे. ओके
तो उन सब के जो हमारे मैनेजर्स रहे थे उन सबसे एक रिपोर्ट मांगी जाती है ओके कि लाइक इफ यू फाउंड दैट सुटेबल और नॉट ओके तो अगर रिव्यू अच्छा जाता है तो उसको फिर वो कॉन्टेक्ट करते हैं कि आप आके यहाँ जॉब करना चाहते हैं या नहीं ओके तो मैंने कहा सर मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा था आई वुड लाइक टू जॉइन देयर ओके सो सर उन्होंने उसके बाद बोला तो हम आपके इंटरव्यूज कंडक्ट कराएंगे और जो वहाँ पे जो मैंने काम किया था उसकी पीपीटी मेरी वहाँ पे ऐड में हो चुकी थी okay, nice. तो उसके बाद उन्होंने वही एचआर राउंड और टेक्निकल राउंड दोबारा से कंडक्ट कराया था ओके okay. लेकिन इस बार जो हमारा टेक्निकल राउंड होने वाला था पहले वाले में तो वो बस इतना पूछ रहे थे कि मैंने क्या पढ़ाया क्या सीखा है ओके okay. लेकिन इस बार वो उस चीज को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे थे कि मैंने वहाँ दो महीने में क्या सीखा है क्या सीखा तो ये जो आप 10 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं दे वर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू योर डिपार्टमेंट या ये स्टूडेंट ऑल ओवर India, sir, they were like from all over India. Some were asked from like WITS. Okay. Naipar Hyderabad, Naipar Ahmedabad. Okay. Like, but most of them were from like premium institutes, I can say. Oh, okay, okay. When you were doing internship, आपने किस आपको किस department में लिया गया था? Sir, आपने वहाँ कैसा काम किया? Sir, मैं tech transfer department में था और उसके अंदर specifically एक group था product enhancement group. तो उस team का मैं member था. तो सर उस ग्रुप का काम ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी हैं अवेलेबल लाइक वो ब्राजील की मार्केट में है और उसे किसी नीदरलैंड की मार्केट में वो अनाउंस करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट मार्केट्स में क्लाइमेट कंडीशन एंड मार्केट सिनेरियो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की वजह से उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट आ सकते हैं ओके तो उस चीज के लिए हमें शुरू से ही जैसे पायलट स्टडी फिर इंजीनियरिंग बैच देन द और लाइक मार्केटेबल बैच वो बनाए जाते हैं तो उसके बीच में फेज गेट रिपोर्ट्स बनाई जाती थी तो हमें उस फेज गेट को देख के ये देखना होता था कि ये चीज यहाँ तक के लिए सूटेबल है तो हम उसे आगे बढ़ाएंगे नहीं तो हम उसे वहीं रोक के उसे बोलेंगे और उसको इम्प्रूव कीजिए ओके तो उससे ये होता है कि अगर हम ऊपर जाके डायरेक्ट बड़ा बैच बना रहे हैं लाइक 40 लाख टैबलेट्स का ओके तो अगर एक टैबलेट 1 रुपए की भी है तो कंपनी के 40 लाख रुपीज उस पर जाने वाले हैं और अगर वो वेस्ट हो जाता है अच्छा सा नहीं बनता है तो वो सब वेस्ट हो जाता है तो वैसे ही उस टीम के पास एक मंथ में 10 से 15 प्रोडक्ट्स का आता था तो वो फेज गेट हमें इवेल्युएट करना होता था तो अगर वहां से वो पास होता है तो ही वो आगे बनेगा तो उससे मतलब बैच फेलियर पूरे हट जाते हैं आई थिंक दिस इज लुकिंग वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग तो आपके साथ कोई सीनियर एसोसिएट थे यस आप उनके अंडर लर्न कर रहे थे तो अकॉर्डिंगली वो कुछ काम दे रहे थे यस सर फॉर लाइक इनिशियल 15-20 डेज I was working with everyone's product. So I was watching on that, like what is the process, where we can find it. These are like basic process, like we are manufacturing for tablets. So there is like mixing process, weighing okay. process, then compression process. So okay. These process have critical process parameters. Okay. Every process has a parameter. Okay. So in these parameters, there is a specific range in which we have to keep all the product parameters. Okay. And if anything will be go outside it, then we have to keep an eye on it. So in 15-20 days, I was like able to learn all this. So after that, they give me a product for me. Yeah. Okay. So, yeah. So this was the nice discussion with Jatin. And this job role was tech transfer or Zydus company ke thi, jiske bare mein inhone hame information di. Aur is company mein through internship, pre-placement offer milne ke chances bhi hote hain. तो मैं जितने भी स्टूडेंट जो हैं जो एम फार्मेसी कंप्लीट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर में तो उनको कहूँगा कि घर मत बैठिए किसी ना किसी कंपनी में इंटर्नशिप की जरूर ट्राई कीजिए सो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो